हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ टेस्टी एंड सो डिलीशियस पाव भाजी। इसके लिए हमें 4 कच्चे केले जिन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है, 1 छोटी केबेज इसे भी मैंने कट करके रख दिया है, ये फ्रेश मटर, अगर आप चाहें तो सूखे हरे मटर भी ले सकते हैं, 2 शिमला मिर्च और 4। अब हम इन सभी को साथ में बॉईल करने के लिए रखेंगे। एक कुकर में कच्चे केले डालूंगी, गोभी भी मिक्स करूंगी, थोड़ी सी गोभी मैं रहने दूंगी, जब भाजी को फ्राई करूंगी तब मैं उसमें पीस के डालूंगी हरे मटर। मैंने इसमें आधी शिमला मिर्च भी डाल दी है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। अब कुकर को बंद करके हम गैस पे चढ़ा देंगे, इसकी हम मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लेंगे ताकि अच्छे से स्मैश हो जाए। अब एक मिक्सी के जार में मैंने बची हुई गोभी और बची हुई शिमला मिर्च को डाल दिया और इसे मैं बारीक पीस दूंगी। देखिए हमारी पीस कर तैयार है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी जार में मैंने टमाटर भी डाल दिया, अब मैं टमाटर को भी पीस दूंगी। हमारे टमाटर भी पीस चुके हैं, हमें टमाटर की एकदम प्यूरी नहीं करनी है। इस तरह तक सारी सब्जियां बॉईल होती है तब तक हम शिमला मिर्च और टमाटर को फ्राई करेंगे, मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैं कढ़ाई में तेल रख रही हूँ, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं जीरा डालूंगी, और जो शिमला मिर्च और गोभी पीसी थी इसे 2 मिनट पकने देंगे, उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, इसे भी अच्छे से हिलाएंगे। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च, अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप इसे कम भी डाल सकते हैं, नमक स्वादानुसार, ये हमारा पाव भाजी मसाला। अगर आप मार्केट का पाव भाजी मसाला नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम हिलाएंगे, हमारी 2 सीटी आ चुकी है, हम गैस ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास देगी मिर्च अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। वो डालने से भाजी का कलर काफ़ी अच्छा आता है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, क्या हम देखते हैं। देखिए देखने में कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है, मतलब तो खाने में कितना टेस्टी हो। देखिए हमारी सब्जियाँ बॉइल हो चुकी है, अब मैं इसे स्मेशर स्मेश कर दूँगी। वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे, सारी मैंने डाल दी, अब इसे अच्छे से हिलाएंगे। मैंने अच्छे से इसे हिला लिया है, अब इसमें 5 मिनट और पकने दूंगी। फ्रेंड्स हमारी पाव भाजी तैयार है, हम इसे हरे धनिया से गार्निश कर देंगे, इसे खिला देंगे। आप इसमें नींबू भी मिक्स करते हैं, मेरे पापा जी को इसका नींबू का टेस्ट पसंद नहीं है इसलिए हम सब लोग अलग से। तो तैयार है हमारी पाव भाजी, हमने इसे बटर, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक किसी का भी यूज़ नहीं किया है, उसके बावजूद भी ये बहुत डिलीशियस लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।